हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखिए दो वीडियो अभी अपलोड करी थी जस्ट बिकॉज उसमें आवाज नहीं आ रही थी दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है नॉट एन इशू तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टॉक सही जिसका नाम है एस्ट्राजेनिका और यहाँ पर एक इंडेक्सिस जिसका नाम है निफ्टी फार्मा तो दोनों में कुछ हरकत होती हुई नजर आ रही है और जहां पर हम बात करें जब इस तरीके की हरकत होती है तो यहां पर अभी तक निफ्टी फार्मा क्या करती हुई नजर आ रही थी निफ्टी फार्मा नजर आ रही थी यहां पर राउंडिंग टॉप बनाती हुई अब निफ्टी फार्मा राउंडिंग बॉटम बना के शायद ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है और इसके पीछे की रीजन क्या है वजह क्या है उस वो इस पर्टिकुलर फर्ति, वीडियो में हम बात कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे जानेंगे बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकॉन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा एज वेल एज यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर आती रहती है ट्रेडिंग दिल से पे तो जाके इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए शॉर्ट यहाँ पर वीडियो बनाई जाती है ट्रेडिंग दिल से को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा तो एस्टा की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ निफ्टी फार्मा से

ओके okay, अभी यहाँ पर निफ्टी ऑटो चलता हुआ नजर आया था सारा पैसा ऑटो में जा रहा था और इसने देखिए अपने हाई को भी यहाँ पर टच किया ऊपर जाके नीचे आया अब देखेंगे कि इसमें ऊपर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है अब बात करेंगे यहाँ पर इसके इसके बाद हमने बात करी निफ्टी एफ की ऑटो से एफ में भी पैसा गया पर देखिए लगभग जो हमने टारगेट डिसाइड करे थे उस टारगेट के आसपास बिल्कुल आ गया है ओके अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाके शायद ये भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा ओके तो यहाँ पर पैसा कहीं ना कहीं तो रोटेट होगा तो जब पैसा रोटेट होगा तो हमें एक सेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पर हम बात करें आई की ये वीक दिखाई दे रहा है मेटल की ये वीक है इसके अलावा हम बात करें एनर्जी ये वीक है तो यहाँ पर रियलिटी मैंने देखा नहीं है चेक नहीं किया बट हम तीनों सेक्टर की बात करें वीक नजर आते है ऑटो गिरता हुआ नजर आ रहा है ऊपर से यहाँ पर दोबारा गिरना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर एक इंडेक्स यहाँ पर दिखाई देगा जो की है फार्मा ऑलरेडी यहाँ पर गिर गया और जिस तरीके की यहाँ पर कैंडल क्रिएट हुई है और जो कैंडल यहाँ पर कहां पर क्रिएट हुई है ये क्रिएट हुई है यहाँ पर अगर इसने अपने नीचे को नहीं तोड़ा देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट पे ये खड़ी हुई है आज के दिन ऊपर गया नीचे आया सपोर्ट पे खड़ा हुआ अगर इसने सपोर्ट को नहीं तोड़ा तो नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है दोबारा यहाँ पर बारह तीन सौ आठ तक यहाँ आ सकता है बट इसने अपने हाई को निकाल दिया तो याद रखिए जो एक कैंडल पर बनती हुई नजर आई है ओके ओके कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर ऊपर बनी है ओके, तो शूटिंग स्टार बट यहाँ पर एक सपोर्ट भी साथ में नजर आ रहा है तो यहाँ पर शायद ये यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर और जब इन्वर्टेड हैमर बनता है और इसका हाई निकल गया तो देखिए सामने हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या रेजिस्टेंस तो यहाँ पर बारह का जो इंडेक्स है बारह तो यहाँ पर तेरह दो सौ तक जा सकता हूं। जब भागेगा, तो बात है भागेंगे। फिर इसका थोड़ी बहुत यहाँ पर फिर यहाँ पर एक हाई बनाया फिर यहाँ पर ऊपर जाके नीचे ऊपर जाके नीचे तो ओके यहाँ पर रिट्रेस करते हुए नजर आएगी जैसे यहाँ पर रिट्रेस करते हुए चीजें नीचे आती हुई दिखाई देती रिट्रेस करके हुए चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी तो यहाँ पर आपको इसके बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर चुनने हैं तो एक ही स्टॉक्स आपके सामने यहाँ पर लेके आऊ जो कि यहाँ पर हम बात करें एस्ट्राजेनिका फार्मा की तो यहाँ पर काफी टाइम से ये स्टॉक्स Uh, नीचे चल रहा था एज वेल एज यहाँ पर बात करें जैसे ऐसे फार्मा ऊपर जा रहा है ये ये इंडेक्स भी और ये स्टॉक्स भी यहाँ पर हम बात करें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो जो इंडेक्स के साथ में चल रहा है स्टॉक्स तो ऐसे स्टॉक्स को लेंगे तो अच्छा फायदा हमें होता हुआ नजर आएगा एज वेल एज यहां पर देखे तो ये स्टॉक्स लगभग छह का हाई बना के ओके यहाँ पर सॉरी पांच का हाई बना के लगातार इसने गिरावट दिखाई है ओके ऊपर था रिट्रेस हुआ फिर ऊपर गया फिर रिट्रेस हुआ फिर ऊपर गया फिर रिट्रेस हुआ ओके इसने लोअर हाईस बनाते हुए नीचे आता हुआ

और एस्ट्राजेनिका फार्मा ने यहां पर आपको पता ही है इंडिया में लगभग 160 से 180 सौ करोड़ डोजेज यहां पर लग चुकी है जिसमें काफी लोगों को डबल डोजेज किसी को ट्रिपल डोजेज और किसी को यहां पर वन डोज पर लगती हुई नजर आई है मार्केट कैप की बात करें सात करोड़ रुपए की मार्केट कैप है काफी बेहतरीन कंपनी है और ये कंपनी यहाँ पर हम देखे तो स्मॉल कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है स्मॉल कैप कंपनी में ये होता है कि चीजें लगातार ऊपर तो जाती है अच्छी होती है तो ऊपर जाती है बट अगर हम देखें तो बीच में गिरावट

पी की बात करें एक का इंडस्ट्री का तेतीस का है तो कहीं ना कहीं महंगा स्टॉक्स है बट आरओसी सत्रह और बारह के आसपास पास ठीक ठाक है डेट फ्री कंपनी है नो प्लेजिंग पी जी रिश्वत थोड़ा महंगा है प्रॉफिट की बात करें पिछले पांच साल में इकतीस परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है सेल्स की बात करें आठ परसेंट के हिसाब से बड़, बड़ी है ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पर ये और हाई की बात करें तो इसने पांच हजार का हाई बनाया बट यहाँ पर फिफ्टी टू वीक हाई की बात करें तो छत्तीस सौ रुपए इसका हाई है फिफ्टी टू वीक हाई अब बात करते हैं यहां पर शेयर बताने के पीछे का दूसरा रीजन तो दूसरा रीजन यहां पर दिखाई देता है

19% के अगेंस्ट में 16% परसेंट आए थे इस वजह से शेयर यहाँ पर अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं करा और लगातार मार्जिन गिर रहे थे तो शेयर भी गिरता हुआ नजर आ रहा था चार क्वार्टर से शेयर भी गिर रहा है बट अगली इस बार के जो रिजल्ट आने वाले हैं ओके आप देखेंगे नाइन परसेंट नाइन परसेंट सात परसेंट तो हम बात करें तो शायद सिक्सटीन परसेंट से कम आ सकते हैं बट बात करें नाइन परसेंट से अच्छे आएंगे जब नाइन परसेंट से अच्छे आएंगे तो मार्जिन पे इफेक्ट आएगा और ये लगा सिलसिल लगातार तीन स, तीन क्वार्टर तो एटलीस्ट तो चलने वाला है तीन से चार क्वार्टर और धीरे धीरे जब चीज़ें अच्छी आएगी तो इन्फ्लेशन का इससे इफेक्ट नहीं आएगा और जिस तरीके से डॉलर रुपीज़ के बीच में गैप होता हुआ हो जा रहा है तो ये कंपनीज फॉरन में काम करती है जब ये फॉरन में काम करती है वहां से जब पैसा आएगा तो ऑबी बात है यहाँ पर चीजें उन्हें इस चीज का भी फायदा होता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर मार्जिन अच्छे आने वाले हैं तो दो तीन क्वार्टर चार क्वार्टर अच्छे मार्जिन आने वाले हैं तो यहाँ पर यह शेयर उसी रेंज में दोबारा पहुंचने की काबिलियत रखता है एक अच्छी खासी ग्रोथ है कंपनी लगातार यहाँ पर प्रॉफिट में है एज वेल एज यहाँ पर रिजर्व देखिए पांच करोड़ के रिजर्व है कंपनी का कैश भी पांच करोड़ के आसपास का है डेट फ्री शेयर है कोई यहाँ पर ये कुछ नहीं है और यहाँ पर बात करें प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स शेयर बेचना नहीं चाहते पचहत्तर है एफ ने भी हिस्सेदारी यहाँ पर घटाई नहीं है बढ़ाई होगी इक्वल है बात करें के पास रिश्तेदारी लगातार बड़ी है और पब्लिक के पास भी अच्छे खासे है तो यहाँ पर बेचने वाले नहीं यहाँ पर खरीदने वाला अब बनता है शेयर अगर किसी बाई चांस से नीचे भी आ जाता है तो आपको पर खरीदना है यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग लाइन ट्रेंडिंग लाइन से हमेशा इसने ऊपर यहाँ पर या तो इस ऊपर की तरफ गया है तो टच किया है नीचे की तरफ आया तो टच किया तो ये ट्रेंड लाइन का फायदा होता है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को देखेंगे तो जो कि हमें दिखाता है ये देखिए इसने आज ब्रेकआउट दिया था ओके दो दो ब्रेकआउट एक साथ दिए थे बट यहाँ पर मार्केट में गिरावट हुई तो शेयर भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया अब यहां पर क्या हो सकता है अब यहां पर देखिए ये शेयर इस अगर इसके हाई को निकाल लेता है तो सीधे जाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को ऊपर और जो ये यह, यहाँ पर अगर जी, इसके हिसाब से मैं देखूँ तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके हिसाब से अगर मैं टारगेट दिखाई डिसाइड चौतीस सौ पैंतीस सौ रुपए तक के टारगेट इजिली यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं कोई अगर इसी रेंज में फंसा हुआ है तो निकलने की कोशिश कर सकता है फिर नीचे आएगा शेयर तो यहाँ क्योंकि ऊपर जाएगा तो रिट्रेस करेगा उस टाइम आप यहाँ पर बाइंग करने की सोच सकते हैं अब यहाँ पर देखिए शेयर पांच तक जा रही है डबल के टारगेट

तीन चार क्वार्टर से बेकार रिजल्ट दे दिए लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है सब चीज अच्छा है तो ये शेयर को ऊपर जाना ही है बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है फार्मा की तरफ नजर रखनी है इस शेयर की तरफ नजर रखनी है उससे बेहतरीन शेयर और भी है उनकी तरफ नजर रखनी है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है कमेंट करना शेयर करना इन्वेस्ट फॉर एवर को लाइक शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और ट्रेडिंग जेल्सों को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो थैंक यू सो मच कॉर्ट्ल